एक महाशून्य धीरे धीरे फैलता जा रहा है, एक अनंत रिक्तता जो हरे भराव में बैठती जा रही है, मगर मुझे तो युद्ध की तैयारी करनी है। पथ पर आरूढ़ कर महाशून्य को अपने बाणों से छेद देगा और उस महाशून्य का दम घोटता दृश्य में घट जाएगा और उस अनंत रिक्तता को भर देंगी सूर्य की अनंत। आपके श्री चरणों में नत होकर मैं आपसे शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ। आपकी अनुकंपा का मैं विनम्र कांशी हूँ। जानते हो युवक, मैं केवल ब्राह्मणों को देता हूँ दीक्षा शस्त्र शिक्षा की। यदि कोई क्षत्रिय मेरे सामने आ जाए तो मेरी भ्रकुटी भंगिमा से उसका विनाश हो जाता है। माता, अचानक कैसे? माता, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? केवल देख रही हैं। देख रही हूँ पुत्र, आशीर्वाद देख रही। तुम्हारे मुख पर भी वही तेज है जो तुम्हारे पिता के मुख पर था। पिता, पिता, पिता! क्या आप भी मुझे लांछित करने आई है? मुझे याद दिलाने आई है मैं एक सूत पुत्र हूँ। मेरा जन्म किसी राजवंश में नहीं हुआ, मैं रज्जला की कुटिया में राधा माता के निधन कोख से जन्मा हूँ। फिर तू भी सुन ले, मैं राधा माता के कोख से जन्मा राजा नहीं हूं। माता, एक क्षत्रिय से युद्ध ना करने की बात कहना हास्यास्पद है। यदि चाहती हैं आप युद्ध रोकना तो जाकर क्यों नहीं कहती पांडवों से? आप तो पांडवों की माता हैं। पांडवों ने युद्ध शुरू नहीं किया, वो तो सिर्फ अपना अधिकार चाहते हैं। दुर्योधन ने अन्याय किया है पांडवों के प्रति और तुम उस अन्याय के साथ खड़े हो। अपराध क्षमा हो माते, किंतु आप मेरे पास आई हैं और मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता, पर ध्यान रहे माते, मैं दुर्योधन के विरुद्ध एक शब्द भी सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं। तुम मुझे समूचे राज्य का प्रलोभन देकर पांडवों का पक्षधर बना लोगी। पांडवों का पक्षधर नहीं, स्वयं पांडव है। नहीं 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 ते माता मेरी तू, और नहीं है तेरे लिए तो कुआरे में जन्मा हुआ शिशु मर चुका था। नहीं नहीं नहीं, कुंती नहीं है माता मेरी, मेरी माता है राधे, मैं कुंती ही नहीं, मैं हूँ राधे। आज तक कर्ण के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, जा मैं तेरे वचन देता हूँ, मेरे हाथों पांडव वंश का समूचा विनाश नहीं होगा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को अभिमान देता हूं, किंतु अर्जुन की लीला समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली है मैं। नाना, आशीर्वाद मत देना, मैं वचन दान के वक्त में नहीं लूंगा। वैसे भी तुम्हारा एक आशीर्वाद मेरे लिए शत शत आशीष है। महाराज, दुर्योधन का कोई संदेश? उनका भी यही कहना था कि युद्ध के लिए समय थोड़ा ही बचा है। ठीक है, जाकर कह दो महाराज दुर्योधन से कि आज का युद्ध अंतिम युद्ध होगा।
अर्जुन के लिए। जो आ गया। शल्यराज, रथ तैयार करें युद्ध भूमि के लिए। प्रतिपल अजर अमर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम सूर्य की तरह, चंद्र की तरह, समुद्र की तरह। क्षमा करें प्रभु, आपको कष्ट हुआ। तो फिर मैं दुख सहस्त्र घोड़े, पवन के वेग से जो है दौड़े, अनेक युद्धों के अनुभव जोड़े, मर जाएंगे नहीं भगोड़े, कंबोज देश के हैं ये घोड़े, सूर्य रथी ऐसे घोड़े। क्या लेंगे ऐसा दान? यही कवच, यही कुंडल मेरे, देवता असुर विछेद नहीं सकते जिसको। आपके चरणों में मैं अर्पित। लाओ, इसे मैं स्वीकार करता हूं। ध्वनियां विलीन नहीं होंगी, रस टूटेगा नहीं, स्वाद मरेगा नहीं और गंध फूटेगा नहीं। शत्रु पांडवों की हृदय विदारक चीखों की ध्वनियां, उनके सड़ते हुए शरीर से आती हुई दुर्गंध, उनके कठोर हृदय से निकलता हुआ कसैला रस, उनके उनके जर्जर शरीर से टूटता हुआ काले रक्त का स्वाद। अनंत काल के लिए परिवेश में यदि नहीं होता बैर मुझे उन सब से जो मानते नहीं थे मुझे क्षत्रिय रूप में, तो क्यों जाता मैं शस्त्र विद्या सीखने परशुराम के पास? क्यों झूठ बोलता भृगवंशी के तुम मुनिवर परशुराम से?